सुप्रीम कोर्ट में पैनामा लीक्स की सातवीं समाअत। वज़ीर आज़म की अदालत में पेश किए गए ज़िमनी जवाब और तकारीब में तज़ाद है जस्टिस एजाज़ुल अहसन के रिमार्क्स। जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कहना है कि तारिक शफी की दो दस्तावेजात पर दस्तखतों में फर्क है। बताया जाए 12 मिलियन दरहम की रकम तारिक शफी ने कतर कैसे मुंतकिल की। पहले कहा गया जद्दा के लिए रकम दुबई फैक्ट्री से हासिल हुई। सवाल यह है कि जद्दा फैक्ट्री के लिए सरमाया कहां से आया, मनी ट्रेल बताना होगा। जस्टिस शेख असबत के रिमार्क्स। वज़ीर-ए-आज़म टैक्स चोरी के मुर्तकिब हुए, रिकॉर्ड से साबित करूंगा। दुबई में बनाई गई फैक्ट्री बेनामी थी। पीटीआई के वकील नईम बुखारी के केस में दलाइल। कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर झूठ बोला, वो सादिक और अमीन नहीं रहे, नाअहल करार दिया जाए। पीटीआई के कैंप से हुकूमत पर लफ्जी बमबारी। जहांगीर तरीन कहते हैं वज़ीर आज़म की जानिब से तीन मुख्तलिफ कहानियां सुनाई गई, कतरी कहानी खत्म हो गई। असद उमर बोले वज़ीर आज़म और उनके वज़रा रोज झूठ बोलते रहे। आज अदालत में हुकूमत के झूठ खुलकर सामने आ गए। कौम की दौलत लूट कर बैरून मुल्क ले जाने वाले जल्द अंजाम को पहुंचेंगे। शेख रशीद का आज फिर जारहाना अंदाज। बोले हुक्मरान आवाम की अदालत में केस हार चुके हैं, बड़ी अदालत से इंसाफ मिलेगा। अदालत में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने सबूत नहीं झूठ पेश किए। ड्रामेबाजी से केस नहीं जीता जा सकता, ये तय है, केस आप ही हारेंगे। तलाल चौधरी का जवाबी वार, कहा आप पर फिल्म बनी तो दुनिया भर में शर्मिंदगी होगी। खाक रोबों की आसामियां भी सियासी होंगी तो शहर खाक साफ होगा। मुस्लिम खाक रोबों की भर्तियों से लगता है कि वोट के एवज वजीफा दिया गया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के गैर कानूनी भर्तियों के केस में रिमार्क्स, कहा वोट देते जाओ और वजीफा लेते जाओ, पाकिस्तान में यही चल रहा है। इमरान खान का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को टेलीफोन। अफवाज पाकिस्तान की कमान संभालने पर जनरल कमर जावेद बाजवा को मुबारकबाद दी। जंग में भक्कर रोड अलियाबाद के करीब बस ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी, दो अफराद जान की बाजी हार गए। नौजवानों की हलाकत पर मुश्तैल अफराद ने बस को आग लगा दी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी के बावजूद हुकूमत ने आवाम को टेंशन देने की ठान ली। ओगरा ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की समरी वजारत को अरसाल कर दी। पेट्रोल 4 रुपए, डीजल 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने की सिफारिश। और सऊदी अरब में रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया। सऊदी अरब में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 दिसंबर को मनाई जाएगी। पाकिस्तान में रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा।